काफ़ी सॉफ्टवेयर्स अभी तक हमने सीख लिए हैं और आई एम वेरी श्योर कि आप वो तमाम प्रैक्टिकल नॉलेज यूज़ कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं अपने फ्री काम के अंदर लेकिन इन तमाम सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म्स के अलावा एक ऐसी चीज़ भी डिजिटल मार्केटियर बनने के लिए ज़रूरी है कि जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सीखना ज़रूरी नहीं बल्कि दिमाग का होना और टाइपिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान फ्री वेबसाइट्स के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग प्लान डेवलपमेंट की काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन ये जॉब्स जो हैं ये किसी भी अरे गहरे डिजिटल मार्केटियर के लिए नहीं जब आप एक प्रोफेशनल वेल एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटियर बन जाते हैं तो फिर आप दूसरी कंपनीज के लिए प्लान लिखना शुरू करते हैं जरूरी नहीं कि फ्री लांसिंग के लिए uh, या फ्री लांसिंग की वेबसाइट यूज करके आप इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाएं हो सकता है कि ये प्लान आपसे कोई लोकल रेस्टोरेंट वाला या लोकल ऑनलाइन बिजनेस वाला भी डिमांड करे और आपको कहे कि भाई आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी है और आपको डिफरेंट टूल्स भी आते हैं तो ज़रा आप काइंडली हमारी कंपनी के लिए प्लान तो बनाएं तो फिर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान जो कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है वो बनाना पड़ता है लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनता क्या है इसके कौन कौन से कॉन्टेंट्स होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तमाम चीज़ें हम अगले कुछ सेशनस के अंदर सीखेंगे इस सेशन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग प्लान इज और आपको इसको यूज क्यों करना होता है सबसे पहले आसान तरीके से अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान इज जस्ट ए डॉक्यूमेंट के जिसके अंदर आप मार्केटिंग जो डिजिटल तरीके से आपने करनी है उसका प्लान अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं अब इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ये हम डिटेल में अगले सेशन में पढ़ेंगे लेकिन ये पूरे का पूरा प्लान चार डिफरेंट चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा होता है नंबर वन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, नंबर टू रिसर्च नंबर थ्री स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स और नंबर फोर कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन अब अगर हम इसको इंडिविजुअली तौर पे देखें तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप अपनी क्लाइंट के लिए या उस बंदे के लिए जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं वह तमाम गोल्स और ऑब्जेक्टिव लिखते हैं जो एक मार्केटिंग कैंपेन ने अचीव करने हैं वेल थॉट आउट होते हैं थॉरली आपने उसके बारे में डिस्कशन की हुई होती है और उसको सीख कर और समझ के अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको आउटलाइन किया होता है ये बनते कैसे हैं अगले सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा फिर आता है रिसर्च का कंपोनेंट रिसर्च के कंपोनेंट में होती हैं तीन डिफरेंट तरीके की रिसर्च नंबर वन कस्टमर रिसर्च नंबर टू कंपेटिटर रिसर्च जी हाँ जो कंपनी आपकी कॉम्पिटिशन में है उसकी भी रिसर्च आपने करनी होती है और नंबर थ्री मार्केट रिसर्च की जेनेरिकली मार्केट में क्या हो रहा ये plan, है यह भी डीएम प्लान यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होती हैं तीसरे नंबर पे है स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स यहां आप डिसाइड करते हैं कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करनी है मैंने ब्लॉग्स बनाने हैं अच्छा मैंने ब्लॉग्स की स्ट्रेटेजी तो यूज की लेकिन ब्लॉग्स के अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स क्या यूज करूंगा जिसको हम टैक्टिक्स का नाम देते हैं वो भी आप इस पर्टिकुलर स्टेप में आउटलाइन कर देते हैं और लास्ट के अंदर आता है कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन जिसके अंदर आपने गोल्स uh, भी बता दिए और आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बता दिया और अब आपने एक मेकनिज़म डिसाइड कर लिया कि जिसके थ्रू आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान को या डिजिटल मार्केटिंग को कंट्रोल करना है और उसके बाद इंप्लीमेंट करके उसका रिव्यू करना है ये होता है लास्ट पार्ट part, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का जो आप बना के अपने क्लाइंट को देते हैं तो दोस्तों ये तो चंद आप बिल्कुल ओवरव्यू था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे लेकिन डिजिटल मार्केटिंग प्लान यूज़ क्यों होता है और क्यों करना चाहिए मैंने तो यही सुना है कि और आपने भी यही सुना होगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो एक अप्लाइड फील्ड है उसके अंदर तो अगर आपको गूगल एडवर्ड्स आता है तो आप बादशाह हैं बिल्कुल नहीं आपने एक स्टेज के बाद गूगल एडवर्ड्स का काम हो सकता है कि, कि किसी दूसरे बंदे से करवा रहे हो अपने नीचे वर्कर से करवा रहे हो आप चले जाते हैं ऊपर स्ट्रेटेजिकल लेवल के ऊपर जिधर आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ का और फिर आप डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग प्लान का नाम देते हैं तो ये क्यों यूज होता है उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि इट गिव्स ए डायरेक्शन टू द कंपनी एक है कि आपने तीर चला रहे हैं हवा के अंदर आपको पता नहीं कि उसकी डायरेक्शन क्या है दूसरा ये है कि एक डॉक्यूमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से कंपनी में पड़ा है और वो डायरेक्शन देता है क्लियर एंड स्पेसिफिक टू द कंपनी कि हमने करना क्या है और हम वो कर क्यों रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग प्लान आपको नॉलेज देता है डिफरेंट चीजों के बारे में कॉम्पिटिशन के बारे में नॉलेज देता है आपको आपके कस्टमर के बारे में बताता है जो ज्यादातर हम नॉलेज गेन नहीं कर रहे होते जब हम अप्लाइड काम कर रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए हालांकि मैंने आपको जगह जगह सिखाया कि आपने रिसर्च जरूर करनी है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग प्लान जब आप बनाएंगे तो आपको नॉलेज एक कम्बाइंड फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा फिर आपको आ, ये एक कम्बाइंड तरीके से स्ट्रीम कर देता है वैल्यू प्रोपोजीशन को यानी कि आपकी कंपनी या वो क्लाइंट जिसके लिए आप एक काम कर रहे हैं वो क्या क्या चीज़ें वैल्यू प्रपोज कर रही है या वैल्यू दे रही है अपने कस्टमर्स को वो तमाम एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सामने एक शेप में आ जाती है इंटीग्रेटेड एफर्ट होती है जिसके अंदर आप आ, सोशल मीडिया से लेके ब्लॉग्स और ब्लॉग से लेके वेबसाइट और वेबसाइट से लेके गूगल की कैंपेन को आपस में इंटीग्रेटेड तरीके से लेके चल रहे होते हैं और इंटीग्रेशन का फायदा क्या होता है उसका फ़ायदा ये होता है कि जब तमाम कैंपेन्स एक तरीके से डिजाइन है तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कैंपेन की और लास्ट के अंदर है बजट आपके सामने एक वेल डिफाइंड बजट होता है और आपको पता होता है कि मैंने ये बजट किस तरीके से यूज करना है और बजट को यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन तरीके से किस तरीके से मैंने मार्केटिंग कैंपेन चलानी है ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं डी प्लान में जो एक डॉक्यूमेंट होता है इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि डीएम प्लान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की स्किल या प्लेटफॉर्म की स्किल ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको दिमाग चाहिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए तो दोस्तों ये था जेनेरिक ओवरव्यू ऑफ ए डिजिटल मार्केटिंग प्लान अब आगे चल के सेशनस के अंदर मैं इसको ब्रेक करूँगा और डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शंस को डिटेल के अंदर डिस्कस करूँगा तो मेरे साथ रहिए